नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट की खास पेशकश घोटाले पर घोटाला। बाइट बोर्ड घोटाला 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस घोटाले का सूत्रधार संजय भाटी जेल के सलाखों के पीछे है, जबकि निवेशक दादरी स्थित कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। निवेशक परेशान है कि उनकी गाढ़ी पसीने की कमाई उन तक कैसे पहुंचेगी। आज धरनारत निवेशकों ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिलेगा तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। बताया गया कि धरने का नेतृत्व कर रहे 8 लोगों को 20-20 लाख रुपए देने का ऑफर रास्ते से हटने के लिए दिया गया, लेकिन वे नहीं माने। इन पीड़ितों ने यहां तक कह दिया है कि अगर अपने पैसे के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो वे पीछे नहीं हटेंगे। बड़ी संख्या में धरनारत निवेशकों को पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बातों से मनाने की कोशिश की, लेकिन वे इस जिद पर अड़ गए कि जब तक जिलाधिकारी अथवा SSP उनकी बात नहीं सुनेंगे वे धरना जारी रखेंगे, जबकि अब तक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। धरना स्थल पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी ने माना कि यह घोटाला सामान्य घोटालों जैसा नहीं है। इस घोटाले को बेहद ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया है। संभवतः यही कारण है कि अब इसकी जांच SIT व ED कर रही है, जबकि धरनारत निवेशक CBI से इसकी जांच कराने की जिद पर अड़े हुए हैं। दादरी स्थित बाइक बोर्ड कार्यालय पर कुछ दिन पहले की ही बात है, जब यहां लाखों लोगों की भीड़ जमा रहती थी और रोजाना ही बाइक बोर्ड के नाम पर निवेश करने वालों की धनराशि बड़े बड़े डिब्बों में रद्दी की तरह भरकर बाहर भेजी जाती थी। आज हालात काफी जुरा हो चुके हैं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्य बिल्डिंग पर ताला लटका हुआ है और बाहर पीड़ित निवेशकों का धरना चल रहा है। धरने का आज 88वां दिन है। बिजली पानी कटा हुआ है, लेकिन पीड़ित और परेशान निवेशक डटे हुए हैं। आज कोट गांव में चल रहे धरने का लाइव हाल देखने हमारी संवाददाता प्रेरणा तलवार से ही जानते हैं कि वहां क्या चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है कोट गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं पीछे तक देखिए यहां पर बाइक बोर्ड पीड़ितों की भीड़ लगी हुई है। कम से कम 88 दिन हो चुके हैं, प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन इस मांग को लेकर कि जितने लोगों ने अपनी खून पसीने की मेहनती कमाई यहां पर बाइक बोर्ड के पैसे में लगाई थी वो उन्हें वापस चाहिए, क्योंकि वो उनके हक का पैसा है। संजय भाटी फरार हुआ, उसके बाद उसने खुद को सरेंडर कर दिया। विजय कसाना का नाम इसमें, कई और भी नाम है जो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे पूछेंगे कि 88 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए, लेकिन सरकार से ना तो उन्हें किसी तरीके की कोई हेल्प मिली है और ना ही ये बात सामने आ पा रही है कि उनका पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं। आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो यहाँ पर शासन प्रशासन की ना बात करूँ, शासन प्रशासन मौन है। ये जनता 2.5 लाख जनता पीड़ित है, जिसमें 1.5 लाख मेरे फौजी भाई इसके शिकार हुई है, बाकी ये यहाँ आम जनता है। मैं आम जनता की आज मैं बात करूँ, आम जनता उस कगार पर आ गई थी अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसे तक नहीं है। और सर मैडम, आज की स्थिति यह है जो मैन गुरुदेव बाहर घूम रहे, कुछ राजनीति से अंदर चले गए, जैसे कि BN तिवारी, ये सबसे बड़ा दोषी है, जिसके पास पूरा बायोडाटा इसी BN तिवारी के पास है, जो ऑफिस की मैं ये बात कर रहा हूँ, फाइल खोली जो है ये BN तिवारी के नाम है। और जो है ये BN तिवारी, इसकी सरकार में बहुत अच्छी साठगांठ है, और जो करणपाल है जिसके चेक में सिग्नेचर है ये भी फरार है, ये 58 दोषी है। मात्र अब तक का 10-11 अंदर गए, बाकी सब फरार है, और 22 बंदों पर डायरेक्ट हुए अभी नाम है। 22 के बाद में जो 58 बच्चे हुए हैं उन पर क्यों नहीं है? 30 का कोई नाम नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन कुछ तो है ना। संजय भाटी, इन्हें जो प्रकरण किया है ये बहुत बड़ा घोटाला है, तकरीबन 40-45 हज़ार करोड़ के आसपास ये घोटाला है। हम लोगों ने जब पैसा लगाया था तो बड़े आसानी से पैसा दिए जा रहे थे, और बाद में इसने कुछ पैसा दिया भी लोगों को। नवंबर माह में पैसा लेने के बाद में तकरीबन इसने 6,700 करोड़ रुपया नकद जमा कराया, और न जाने कितना पैसा NFT, RTGS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा स्वैप किया गया। सारा का सारा पैसा संजय भाटी लेके कहीं चला गया। उसके बाद में जो है इसने किस्तें बंद कर दी, फिर कोई पैसा नहीं दिया कभी भी। अब उसके पास में जब पैसा लेने के लिए यहाँ पे आते थे कि भाई हमारा पैसा दे दे, पैसे के नाम पे बाउंसर रखे हुए थे, हमें पिस्टल दिखाते थे, जान से मारने की धमकी देते थे और फिर यहाँ से भगा देते थे। 1 जून से हम लगातार यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं, और धरने पर बैठे बैठे तकरीबन आज 88 दिन हो गए हैं। इस बीच में हमारे कुछ लोग संजय भाटी से जेल में मिलने के लिए जब जाते हैं तो उन पर हंसता है,
कभी बोलता है कि ईडी से पैसा ले लो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कभी बोलता है सीबीआई से पैसा ले लो, कभी बोलता है सिविल सूट करो, लेकिन कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। और बिल्कुल जब भी कोई इंसान बोलता है कि मेरी बहन की शादी टूटने वाली है, घर बिक जाएगा, तो उसको जवाब देता है कि कोई बात नहीं, तू अपना घर बेच दे और अपनी बहन की शादी कर ले, मैं जब बाहर आऊँगा तब दे दूँगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो इंसान मतलब विश्वास को इस तरीके से हनन किया है। ब्लड डोनेशन के नाम पर पहले 28 अक्टूबर 2018 को एक बहुत बड़ा कैंप लगा रहे थे, जिसमें कह रहे थे कि 62,100 ब्लड यूनिट हम डोनेट कराएंगे और उस ब्लड को फिर हम आर्मी के जवानों तक पहुंचाएंगे। लेकिन वो डेट इन्होंने चेंज की और फिर उन्होंने 10 दिसंबर 2018 को वो ब्लड डोनेशन कैंप यहीं इस कंपनी के ग्राउंड में लगाया। और ये पब्लिक को रिझाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टंट इसने रचा, संजय भाटी ने, नदीम फारूक ने। और ये ब्लड डोनेशन जो किया गया था गर्वित कंप्यूटर एजुकेशन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पर ये किया गया था। इसका भी एक अकाउंट है, उस अकाउंट में भी करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए गए। तो जो ब्लड डोनेट जो करवाया था तकरीबन 10,000 यूनिट से ज़्यादा, वो ब्लड कहाँ गया? वो ब्लड आर्मी के पास तो पहुँचा नहीं, किसी सरकारी हॉस्पिटल्स में किसी मदद के लिए तो पहुंचा नहीं। अगर पहुंचा है तो उसका सबूत दें, वरना तो वो ब्लड जो है वो भी बेचा गया। हम निवेशकों का पैसा तो लिया ही लिया, हमसे ब्लड भी लेके उसको सुनने में आता भी ऐसा ही है कि वो ब्लड बेचा गया। मेरा नाम चौधरी राधेश्याम, आज हमें लगभग 88 दिन हो गए हैं धरने को लेकर, और हमारे साथ सब वो काम किए जा रहे हैं ताकि हम यहाँ से उठ जाएं। लेकिन हमने भी एक कसम खा रखी है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अभी फिलहाल की बात है, जो हमारे यहाँ की बिजली और पानी था वो भी बंद करा दिया गया, और ये रणनीति बनाई जा रही है, ये हम पे दबाव बनाया जा रहा है, कभी फायरिंग होती है यहाँ पे, कभी रात को गाड़ियाँ घूमती हैं आगे पीछे, कि ये किसी तरह भय से या डर से यहाँ से चले जाएँ। लेकिन हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, यहाँ से जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। उसका एक मुख्य कारण और है जिसकी वजह से हम अपने घर भी नहीं जा सकते। अगर हम अपने घर जाते हैं तो पैसे मांगने वालों की हम पे लाइन लग जाती है और हम कहाँ अपने घर में कहाँ दुबते हैं। इससे अच्छा है हम अपने बाल बच्चों को लेकर अब यहीं रहना शुरू करेंगे, आने वाले समय में हम अपने परिवार सहित इस बिल्डिंग के अंदर रहेंगे। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हमारा सारा परिवार, जितने हमारे पीड़ित भाई हैं, हम इस बिल्डिंग के अंदर रहेंगे। मैडम मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मेरठ से। आइए ना, मैं बहुत पीड़ित हूँ, सभी कर्जे में लेकर के इसमें पैसा लगा दिया और पैसा लगाने के बाद में एक भी पैसा नहीं आया। मैं करीब 16 बाई तक लड़ाई थी, जैसे जैसे मैं टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ, और कुछ पैसा कर्जे पे लेकर मैंने यहाँ पे लगाया था। आज मैं फर्स्ट बार उनकी आवाज़ सुनकर अपने भाइयों की यहाँ पे आया हूँ, और आने के बाद मैंने यहाँ दुख दर्द देखा है। मैं सुनकर के इतना हूँ कि मेरे अंदर से ऐसी भावना आ रही है कि वास्तव में जैसे ये है कि नौकरी छोड़ करके क्यों ना मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। यही कंडीशन है, क्योंकि मैंने जो पैसा कर्जे पे लेकर के लगाया था वो लोग आते हैं घर पर, क्योंकि उनको 3-4 महीने हो चुके हैं, जबकि मैंने 1-1.5 महीने के लिए पैसा उधार लिया था। मैंने ये भी कहते हैं कि उस पैसे का मैं ब्याज दूंगा, ब्याज कहते 6-7 महीने बेच चुके हैं। अब वो मेरे घर पे, जैसे भाई के बता रहे हैं कि घर पे आ रहे हैं। आज मैं स्कूल से छुट्टी लेकर के यहाँ आया था, मैं दर्द देखता हूँ कि कैसा है। मुझको यहाँ आकर के मिला, देखा, और मैंने भाइयों के देखा कि इस तरह की बिल्डिंग का, इस तरह का विचार है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, और जरूरत पड़ेगी तो नौकरी छोड़ करके मैं भी अपने भाइयों के साथ। क्या आपने भी इसमें बाइक बोर्ड में पैसा लगाया? मैंने भी लगाया। क्या हुआ? कहाँ आ रहे हैं आप? कोई पेमेंट नहीं आया। इस जो 80 दिन से यहाँ पे धरना जारी है, इसके लिए आपको क्या कहना है? क्या आप भी इस चीज का समर्थन कर दें कि आप भी अपना पूरा दारा पानी लेकर यहीं पर बैठ जाएंगे? बैठना पड़ेगा मैडम, क्या करें, मेरा ही बच्चा बीमार रहता है। मैंने भी हस्बैंड से पूछ के पैसा नहीं लगाया, मेरा ही बच्चा हिंदी कॉम है, मैंने कुछ सोच के लगाया था कि चलो आगे इनकम बढ़ेगी, बेटे की पढ़ाई और उसका बीमारी का खर्चा आराम से निकल जाएगा, पर मुझे तो यहाँ से कुछ भी उम्मीद नहीं है, ना ही कोई पैसा मिला। मैंने भी पैसा लगाया, गहने भी इसके कुछ ब्याज पहले कोई पेमेंट भी नहीं आई। कितने दिन हो गए आपको इस धरने में? 88 दिन हो गए। 88 दिन से आप यहीं हैं। जैसा बताया जा रहा है यहाँ पे बिजली पानी ये सब कुछ काट दिया गया, तो क्या इन सब चीज़ों से? हाँ, ये सच है। हाँ, हमें परेशानी हो रही है, और बच्चों को छोड़ छोड़ के यहाँ पे पड़े हैं, पैसे की है, कर्ज वाले कर्ज लेने आ रहे हैं, ब्याज भी है, क्या करें बताओ। जी, मैं रेखा चौधरी मोदीनगर से। मेरी यहाँ जो ना काफ़ी 25-30 लाख रुपये लगा हुआ है, मैंने अपना घर मकान और गाड़ी वाड़ी सब बेच के लगा दिया है। आज मैं बेघर हूँ, किराए पर रह रही हूँ, और इतनी हालत ख़राब हो गई है कि मेरे बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और 88 दिन से मैं इसी लगातार धरने पर बैठी हूँ, और मेरा दर्द इतना बड़ा है शायद मैं कह नहीं सकती, मैं जवान से बयान नहीं कर सकती। तो
आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी जी योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ करा जाए। इससे पहले जब आपने धरना प्रदर्शन किया था, वीडियो भी हमारे पास है जिसमें आप हैं, यहाँ पर मारा पीटी भी हुई थी, ज़बरदस्ती पिटाई करके आपको धरने से उठाने की कोशिश की गई थी, तो उस पर कौन लोग थे, किस किस के नाम इसमें? ये सर जो भाटी को लेके आए थे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए, और उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें भाटी से दो बात करा दी जाए, लेकिन उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दे के और मारपीट करके पीछे धकेल दिया। हमें कोई उनसे बात नहीं करने दी, कोई समाधान नहीं ढूंढने दिया। हम तो अपना दर्द रखना चाहते थे उसके सामने कि हमने तुझे पैसा दिया था कि हमें कमाई होगी, लेकिन हम किसका वार तो खड़े हो गए हैं आज, ये हमारी जो ना बुरी हालत हो गई है, तो हम तो उससे पूछना चाहते थे, लेकिन उसने हमें ना हमें पुलिस ने प्रशासन ने हमें मिलने दिया और मारपीट करके पीछे धकेल दिया, और तभी से हम आज तक यहीं पे बुरे हाल पड़े हैं, और कोई बिजली पानी सब बंद कर दी गई है, खाने को मोहताज हैं और किराए पर रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारा कोई आगे समाधान नहीं, कुछ कोई सुध नहीं ले रहा है। आज तक क्या मोदी जी को पता नहीं है कितना बड़ा स्कैंडल चला हुआ है यहाँ पे, 22,000 करोड़ का ये इतना बड़ा स्कैंडल है, क्या सब चुप्पी साधे बैठे हैं क्या? आज तक जाने कोई आवाज़ नहीं जा पा रही हमारी, क्या एक लेडीज़ का दर्द उन्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो हमेशा कहते हैं आपके अपने मन की बात हमेशा महीने में कहते हैं, क्या हमारी भी तो 3 महीने से एक मन की बात सुने कि हम क्या चाहते हैं, एक बार आके हमारे सुख तो ले। क्या योगी जी को दिखाई नहीं देता, जगह जगह भाषण देते हैं और झंडा लहराते हैं, रक्षाबंधन चलेगी, इतने सारे त्यौहार चलेगी, क्या उन्हें पता है कि इन लोगों के बीच में जो पैसा लगा हुआ है उनके त्यौहार मन रहे हैं नहीं मिल रहे? हम भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ पर, तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए और हमारी समस्या का हमारा पैसा दिलवाने का समाधान किया जाए, यही हमारी रिक्वेस्ट है सभी मोदी जी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। कितना पैसा लगा था बाइक फूटने? शुरू में तो ये 2 बाइक लगाई थी, पर बाद में जब बोला प्लान चेंज होगा तो उस टाइम बेटे ने बहू ने बेटी ने रिश्तेदारों ने सब ने मिला के एक साथ कम से कम 50 से 55 बाइक मारी उसने, और 50-55 में उसको ऐसी जो एक एक बाइक लगाई तो उनका पैसा है, कम से कम 45 बाइक ऐसी हैं जिनका एक भी पैसा नहीं आया जो मेरे परिवार की, और फिर मेरे दोस्तों की लगी हुई हैं उनका नहीं पैसा, बाकी रिश्तेदारों की हैं उनका पैसा, कुल मिला के 125 बाइक है, 40-45 मेरे घर की हैं और बाकी कुल मिला के 125 बाइक ऐसी हैं जो मेरे डाउनलाइन में हैं जिनका एक भी पैसा अब तक नहीं। करोड़ों का जो ये स्कैंडल यहाँ पर हुआ है इससे सब वाकिफ़ हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ पे 88 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए, आप भी उनमें से एक हैं जो सब लोग यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं एक दूसरे का, तो किस तरीके की परेशानी यहाँ पे महसूस हो रही है, क्योंकि कोई भी आवाज़ आपके सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में कितनी दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत झेल, दर्द होता है, 88 दिन हो गए हमारी टीम को, बीच में भूख हड़ताल भी किया, कर्मिक हड़ताल भी किया, उधर घर में बच्चे बुलाते रहते हैं हमें, बोले पापा आ जाओ, किसी को बोलते हैं भाई आ जाओ, अभी त्योहारों पे भी हम लोग नहीं जा पाते हैं, एक एक दो दो कभी कभी तो बंदा जाता भी है, दिक्कत तो इतनी आ रही है जी, शुरू में यहाँ मच्छर मकोड़े यहाँ पे आते हैं, बिजली इन्होंने कटवा दी, मुझे तो लगता है भाटी ने कटवाई होगी, बिजली कटवा दी, पानी बंद करवा दिया, दिक्कत इतनी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, गर्मी इतनी है, आध हो गए तो शरीर में रैशेस हो चुके हैं, छाले पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी इतनी कोई सुन नहीं रहा जो हम चाह रहे हैं, हमें तो पैसा चाहिए, लोग बोलते रहते हैं कि जांच चल रही है, और जांच कब तक जांच चलेगी? मैं तो अपनी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, सीधा मैं तो मोदी से कहना चाहता हूँ, अगर आप पहुँचा सकते हैं पहुँचा देना भाई, मैं सीधा मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि वो बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जब भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए तो फिर ये क्या है, एक गरीबों का पैसा लूट लिया, दूसरा मोदी जी बोलते हैं कि मैं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, तो फिर ये क्या है, वो खा के बैठ गए, उसमें हर डिपार्टमेंट ने खा लिया, चुनाव में उसने पैसा लगा दिया, लोगों के पास सबूत है, और जिनके खिलाफ हमने कंप्लेंट करी हुई लोग पकड़े नहीं गए, बीएन तिवारी नहीं पकड़ा गया, कर्णपाल नहीं पकड़ा गया, वो फौजी था, मैं खुद फौजी हूँ, उसने कितने फौजी को इधर में ठग के इधर में लगवा दिया, और एक दूसरी बात ये भी है, मोदी जी बोलते हैं और इसमें हमने जो पैसा लगा मोदी जी को देख के लगा, योगी जी को देख के लगा कि बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत ईमानदार सरकार है, इसमें कुछ नहीं होगा, सब यही सोचते हैं पैसा लगा दो कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाजपा है यूपी में, भाजपा है सेंटर में, भाजपा है, और हमारा जो मोदी जी बोलते हैं अब ये समस्या हो रही है, देखो मैं तो समस्या को ना टालता हूँ ना पालता हूँ, तो मैडम हम ये भी चाहते हैं तो इस समस्या को कब तक टालेंगे? मेरा नाम नरेश वर्मा है, मैं घोड़ियों छेड़ा गांव से बिलोंग करता हूँ, ये जो है यहाँ जो आप इतने सारी मैं जो है क्या नाम है यहाँ जी सब लीडरों ने जो पैसा कमाने के बाद में सब लीडर तो भाग गए यहाँ, सब ये छोटे छोटे जितने भी इन्वेस्टर में हैं यहाँ जाके यहाँ धरना गिरे हुए हैं, वो लीडर जो आराम से एसी में सोए हुए हैं, दो दो चार चार पाँच पाँच करोड़ रुपए को खा के पी के आराम से मौज ले रहे हैं, उनको प्रशासन क्यों नहीं पकड़ पाता है उनको, ये आम पब्लिक उनके घर क्यों नहीं जाकर धरना दे रही है, उन्हें खींच खींच के लेके आओ, उनको सालों को जमीन में लिटा दो उनको, हैं उन्हें मारना चालू कर दो, उन्हें अपना प्रशासन हिल जाएगा सब। मैं बुलंदशहर से हूँ, नाम मेरा शकील है,
और हम लोगों ने जो जिस टाइम इस बाइक बोर्ड से जुड़े थे उस वक्त लोग जो इन्वेस्टर थे वो पैसा कमा रहे थे, और पैसा कमाने के बाद में जो इन्होंने सपने दिखाए हैं, क्योंकि जहाँ के संजय भाटी हैं और बुलंदशहर चीती गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। विश्वास एक इंसान की सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिस टाइम इन्होंने सबसे पहले चेक देने चालू करे थे, हमने कहा हमें तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितना बड़ा इन्होंने विश्वासघात पब्लिक के साथ किया है, साथ इंसान मर के भी उसको चुका नहीं सकता, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने अगर पैसा लगाया और तुम्हारे ऊपर लगाया है, तुमने इतना बड़ा गेम खेला है कि रात को 11 बजे यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, मोबाइलों को स्विच ऑफ कर रहे हैं, कौन सा तरीका है? फिर भी चलो पब्लिक दो पैसे कमाने के लिए, किसी के बच्चे की पढ़ाई का मसला आता है, किसी की बेटी की शादी का मसला आता है, किसी के रोजगार का, कि चलो महीने का महीने आता रहेगा, 1 लाख रुपये अगर हमारे पास रखा हुआ है उसको उधर न लगा के इधर लगा के तो बच्चों की किस्त वगैरह पूरी करते रहेंगे, इस तरीके से पैसा दे दिया। मैं बिजेंद्र सिंह भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ, और मैडम जहाँ पर बाइक बोर्ड टैक्सी में जो लोगों ने बाइक लगाई है वो बड़े ट्रस्ट किया है संजय भाटी जी यहाँ से, इनके जो विधायक जोगिंदर सिंह गवाना है वो अक्टूबर नवंबर में पहले भी 2-3 विजिट किए कि ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों को ट्रस्ट हुआ कि यार चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही 30 नवंबर को यहाँ पर पैसा बंद किया तो भाटी जी यहाँ से करीब 15 गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ गईं, और दाबाग होटल भरतपुर में इन्होंने मीटिंग की, और वहाँ के गरीब लोग जो लोगों ने बाइक लगा रखी थी उन्होंने कोई कैश में पैसा करीब 6-7 करोड़ रुपए लगाया हुआ है। आज जोगिंदर सिंह अवाना क्यों नहीं भरतपुर में टिकते, क्यों नहीं उनकी FIR दर्ज होती है? मैं 4 महीने से उनकी FIR के लिए लग रहा हूँ। प्रशासन राजस्थान प्रशासन भी उनकी एक विधायक की सीट है, अगर वो छोड़ देते हैं तो वहाँ से सरकार गिर जाएगी, ये कारण से वो वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मैं यही निवेदन करता हूँ, मीडिया से निवेदन करता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा कोई विधायक क्यों ना हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी FIR दर्ज करनी चाहिए और पीड़ित लोगों का पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि कैश में जोगिंदर सिंह अवाना ने वहाँ पर पैसा लोगों को बांटा, इसलिए वो चुनाव में जीते, और नहीं तो कभी भी वहाँ पर चुनाव नहीं जीत सकता। जो यहाँ का आदमी वहाँ से 200 किलोमीटर दूर में जाके चुनाव लड़ रहा है, उसने लोगों को ट्रस्ट किया, लोगों को इमोशनल किया कि मैं तुम्हारे बीच रहूँगा, 5 साल रहूँगा, आपका पैसा एक एक नहीं जाएगा। जब मैं मीटिंग करने गया तो मेरे नाम से FIR दर्ज की, क्या मैंने किया उनसे पूछने ही तो गया था। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, मीडिया से, ये बात योगी जी मोदी जी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा क्या कारण है? मुझे वो चीज़ चाहिए, क्योंकि मैं भी फौज से हूँ, मैंने पहाड़ियों पर बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, और मेरे घर वाले जो बिल्कुल किसान लोग हैं उन्होंने किस किस तरीके से, मैं कुछ भी कर लूँ तो पैसा उनका चुका नहीं सकता। मैं मीडिया से यही निवेदन करता हूँ, ये बात योगी जी तक और मोदी जी तक जानी चाहिए। जी मेरा नाम धनेश कुमार गुप्ता है, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और मैंने इसमें 9 बाइकें लगाई हैं, और मेरी वाइफ के नाम से भी बाइक लगी हुई है। मेरे भांजे कितने दिन से आप धरने पर? धरने पर 88-87 दिन हो गए, लगभग 3 महीने से हो गए हैं। इसलिए पानी भी काट दिया गया? जी हाँ, सब कुछ काट दिया गया, और बहुत परेशानी के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। कोई हमारी शासन प्रशासन किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ को लेके, और कहने का मेरा मतलब यह है कि मैंने ज़मीन बेचकर यहाँ पैसा लगाया था बस इसलिए कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश ठीक से हो जाए। मेरा नाम गुरुदेव सिंह है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूं, और मेरे नीचे तकरीबन 350 बाइक लगी हुई है, और मैंने सारा पैसा बैंक से लोन लेके लगाया है, और उस लोन को चुकाते चुकाते मैं लगभग 20 लाख के नीचे पहुंच चुका हूं, और हालत ये है कि घर वालों के पास जा नहीं सकता क्योंकि घर पे लोगों का जमानत लगा रहता है, तो इस समय पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बहुत बहुत बुरी हालत है। मेरा घर बार बीवी बच्चे सब छूट गए, बस मैं यही दरखास्त करना चाहता हूँ सरकार से कि किसी तरह मेरा पैसा दिलवा दो बस। प्रशासन को संजय भाटी से और उसकी टीम से पूछना चाहिए, क्योंकि जो पुख्ता सबूतों से हमें पता चला है वो किसी नर्सिंग होम को बेचा गया है, जो करोड़ों में बेचा गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे संजय भाटी को, जो कि आर्मी के नाम पर भी खून लेकर के बेच करके खा गया, और बाकी गरीबों की जितनी पैसा है वो तो खा ही गया, वो अलग है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कवि सम्मेलन किया, वहाँ पे कवियों को बुलाया गया और कवियों को
लूटा गया, हर कवि से सांसद बाइकें लगवाई गई, जो कि वहां पे 1800 कवि आए थे। कवियों के मुंह से ही मुझे पता चला है कि सबने सांसद बाइकें लगाई थी। उसने तो कवि सम्मेलन के साथ साथ अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। कैसे कर लिया? 1800 × 7 लगाइए और उसके बाद 62,100 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता चलेगा कितना पैसा उसने उसमें इकट्ठा किया। और जो फारूक नदीमी है, अगर वो कहते हैं, फारूक नदीम कहते हैं कि मैं संजय बाटी के साथ नहीं हूँ, मैंने उनको पर्सनली फोन करके बोला कि आप हमारे साथ आके जुड़िए और जनता के साथ खड़े होइए, अगर आप भी ठगे गए हैं तो। उन्होंने कहा, मैडम मैं बिल्कुल ठगा गया हूँ और मेरे मार्फत ही 1800 लोग कवि जो आए थे उनको लूटा गया, बट नदीम फारूक हमारे साथ नहीं है। और इससे साफ पता चलता है कि वो भी संजय भाटी से मिले हुए हैं और उनको भी पैसा मिला है। मैंने भी जिंदगी में बहुत संघर्ष करे हैं और पुलिस से बड़ी निराशा मिली है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम सब लोग जो है पैसे के लिए परेशान थे, हमने इसलिए इन्वेस्ट किया, हम सेल्फ डिपेंड होना चाहते थे, हमने क्या दोष कर दिया? आप हमारी मदद करो ना, उससे हमारा पैसा निकलवा दो, ये हम उठा लेंगे। मेरा नाम बंटी चौधरी है, मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और लगभग 88-90 दिन से जब से भी हमारी यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है मैं यहीं हूँ। इसमें सर्वप्रथम भाटियन गैंग ने एक बड़े तरीका से प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद उन्होंने ठगी का एक ग्रुप फैलाया जिसके तहत उसने गरीब और अमीर किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो सेना का जवान है या कोई गरीब आदमी, इस हद तक गरीब है कि वो अपने बच्चों को रोटी भी ठीक से नहीं खिला सकता, सभी को ठगा। इसमें कुछ लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ लोग अरेस्ट होने बाकी हैं जिनकी जानकारी पुलिस प्रशासन को है कि वो कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं। इन सभी लोगों की पुलिस जांच हो और पुलिस जांच क्या, हम ईडी से तो बिल्कुल नाखुश हैं, ये पुलिस जांच सीबीआई को दी जाए, सीबीआई अपने तरीका से जांच करे, सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए और अलग अलग जेलों में रखा जाए। एक जगह रखे जाएंगे फिर वही प्लानिंग होगी, जो गरीब लोग मरता आया है वो फिर मरेगा। और सभी में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग जिनके चेक की डेट आती रहे वो चेक लगाते रहें, और जिनके भी चेक बाउंस होते हैं वो ग्रुप में एक वकील करके, क्योंकि अकेले आदमी को वकील करना बहुत महंगा पड़ेगा, तरीके से FIR करें ताकि इन लोगों के खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जय हिंद जय भारत। धरनारत लोगों के रोष को देखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी अवनीश कुमार वहां पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक उन्हें तकनीकी कारण गिनाए, लेकिन निवेशकों का कहना था कि संजय भले ही जेल चला गया हो लेकिन उसके गुर्गे वे परिजन अभी भी फरार चल रहे हैं और पुलिस जानबूझकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। देखिए क्या कहा CEO अवनीश कुमार ने। के पास पहली बार आया हूं, लेकिन ये जो जितना भी प्रकरण आपका चल रहा है बाइक बोर्ड का, आई एम द फर्स्ट ऑफिसर जिसकी जांच रिपोर्ट गई थी, जो FIR दर्ज होने गई थी, समझ गए आप लोग? अगर कल आप RTI लगाएंगे या कोई भी ऐसी चीज लगाएंगे तो जांच की रिपोर्ट गई है तो वो मेरी ही द्वारा ही जो जांच की गई है उसमें ये चीज माना गया है कि फ्रॉड और गलत हुआ है। तब हमको लगा कि ये केस एक थाने से हम लोगों के लिए संभव नहीं होगा इतना डिटेल में वर्कआउट करना, तो इसके लिए एक सेपरेट सेल गठित होनी चाहिए ताकि वो टोटली डिवोटेड रहे इस चीज़ के लिए। तब इसके इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने, हम लोगों ने एक अलग से बना के सूरजपुर में उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, 3-4 इंस्पेक्टर्स हैं, एक पूरी टीम है, वो लगाई गई, ठीक है। लेकिन आज हम अग्री करते हैं, हम एक्सेप्ट, मतलब इनफैक्ट पहले ही कर चुके हैं कि ये चीज़ें एक सेपरेट तरीके से ही हैंडल की जा सकती हैं। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के लिए है, तो उतना आसान हमारे लिए नहीं रहता है हर समय हर वक्त हर व्यक्ति की अपेक्षा पे 100% खरा उतरना। पहली चीज ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जिस नाव पे आज की डेट में आप सवार हैं, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमको और आपको मिल के ही सपोर्ट करना है, मतलब हम ही आपके पूरे मददगार साबित होंगे। आज आपको लग रहा है कि 50% कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, खाली 25% हुई है, मैं उससे असहमत नहीं होऊंगा। हर व्यक्ति की अपेक्षा यही होती है। हमारे पास भी अगर 2 दिन के अंदर कोई मर्डर हो जाता है, किसी भी चीज़ की हो जाती है, तो आदमी कहता है कि 24 घंटे में हमें गिरफ्तारी चाहिए। मैं अग्री करता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिजल्ट मिले, और हम पूरी कोशिश करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, हम कर रहे हैं कोशिश और हम इससे ज़्यादा प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे स्तर से, जो मैंने इनसे कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कॉन्टीन्यूसली आपको परेशान कर रही है, लगातार अगर आपको परेशान कर रही है और आपको लग रहा है वो चीज़ हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं,
आप मुझे वो लिख के दे दीजिए, कल आप लोग यहाँ पे रहेंगे, कल या परसों दो में से एक दिन लगातार, मैं अगर कह दूंगा कल कि मैं कल ही आऊँगा तो किसी वजह से अगर नहीं आ पाए, क्योंकि हम लोग को हर जगह भागना पड़ता है, बट जो अर्लीस्ट होगा मैं खुद आके उन चीज़ों का जवाब आपको दूंगा। धरने का नेतृत्व कर रहे मुन्ना बालियान ने कहा कि पुलिस क्षेत्राधिकारी की बातों से वह सहमत नहीं है। अब जब तक जिलाधिकारी अथवा SSP उनकी बात नहीं सुनेंगे वे मौके पर डटे रहेंगे। साथ ही भूख हड़ताल भी शुरू कर रहे हैं। बाइकबोर्ड जैसे मामलों पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।